यमुनानगर में भी पंच और सरपंच के लिए मतदान शुरू हो चुका है। यमुनानगर में 490 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान है। 40 सरपंच सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। 2600 से अधिक पंच सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। 1128 पंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है। सरपंचों का चुनाव के जरिए सरपंच चुने जाएंगे। जिले में 64 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो यमुनानगर की तस्वीर है, यहां पर भी बहुत से सरपंच जो हैं वो सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। पहले ही 40 सरपंच ऐसे हैं जिनको निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना जा चुका है और 2600 से ज्यादा पंच ऐसे हैं जिनको सर्वसम्मति से चुना जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं अपने संवाददाता, यमुनानगर संवाददाता सुनील कुमार का। सुनील, यमुनानगर से किस तरह की तस्वीर, क्या यहां भी पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह है? जी देखिए, अभी सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो जैसे जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में देखने को मिला था, सुबह सुबह जो है खाली था बिल्कुल बूथ, लेकिन सरपंच के चुनाव और पंच के चुनाव को लेकर जो है बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि यमुनानगर में 490 जो है सरपंच चुने जाने हैं, जिनमें से 40 निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें से 449 पर जो है मतदान जो है लगातार जारी है। यमुनानगर में करीब 5,15,000 मतदाता हैं, जिनमें से कैंडिडेट के लिए जो है पंच कैंडिडेट के लिए 3,841 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2,610 जो है निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 64 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है पोलिंग बूथों पर। जी बिल्कुल सुनील, और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या लोगों को ये बताया गया है कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल आज उनको करना है? जी सुरक्षा की दृष्टि से जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है, जिनमें से 101 बूथ हैं और हाइपर सेंसिटिव 126 बूथ हैं, उनके लिए जो है अलग से पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं जो डीएसपी हैं उनको जो है 10-10 पुलिस कर्मचारी अलग से दिए गए हैं, ताकि कहीं पर भी किसी तरह की कोई घटना सामने आती है तो वहां पर वे अलग से पुलिस कर्मचारियों की तैनाती कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि यमुनानगर के बालछप्पर गांव में पहले सरपंच पद के उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पुलिस चौकी बनाकर जो है पूरी जो है मुस्तैदी की गई है। बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।